अरे क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला मैडम, पूरा कोना कोना छान मार लिया, उधर इधर कहीं से भी कुछ नहीं मिला मैडम। अरे ऐसे कैसे नहीं मिला? और खोदो और नीचे जाओ, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कुछ नहीं मिला मैडम। अभी तुम यहाँ खड़े रह के डायलॉग मत मारो, तुम खुद ही मारो और ढूंढो। जाओ ओए नीचे जाओ, चलो। सुनो तुम भी जाओ नीचे, कुछ मिला भाई? नहीं। सच में राक्षस लोक से ही आए ना, एक इतना सा काम नहीं तो कर सकते। इसी धरती के अंदर प्रार्थना समाई गई थी, अब तक तुम उसको ढूंढ के निकाल नहीं पाई। कैसी राक्षसनी है? ए सुन, बहुत अच्छी राक्षसनी हूँ, तभी तो तेरे कहने पर यहाँ आकर जमीन की खुदवाई कर रही हूँ। अरे हर कोना हर पर्थ ढूंढा, कुछ नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा कि प्रार्थना की बच्ची कहाँ गायब होगी और कैसे गायब हो गई। दीदी आपने इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी दी, थैंक यू। छोले भटूरे बहुत अच्छे थे। मैं पैसे दे के आती हूँ। भैया छोले भटूरे बहुत अच्छे थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। थैंक यू मैडम। भैया इसमें तो 10 रुपए कम है। कोई बात नहीं मैडम, नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा। थैंक यू भैया। चलो बच्चों। अब सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, मुझे जल्दी से कोई जॉब ढूंढनी होगी। वाह वो देखो दीदी, कितनी खूबसूरत है ना। हाँ पर इसमें दिल नहीं है, ना किसी के लिए दर्द है। पत्थर है ये पत्थर, पर किसी हीरे से कम नहीं है। आप इन्हें जानती हैं? हाँ। सच्ची? हाँ, बहुत सारे ज्वेलरी स्टोर के होर्डिंग्स पे देखा है ना। वाह दीदी क्या सस्पेंस क्रिएट किया आपने। हाँ हमें लगा तुम्हें तुम्हारा अतीत याद आ गया इन्हें देख के। नहीं मैं अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती, तुम लोगों को कभी छोड़ के जाना भी नहीं है। रही बात इसकी तो ये तो बहुत बड़े ज्वेलरी स्टोर की ओनर है, इसीलिए इतने अमेजिंग ज्वेलरीज पहनती है। सच बोलूँ तो मुझे कभी कभी बहुत जेलस फील होता है कि इनके पास इतनी सुंदर ज्वेलरीज है। कितनी खूबसूरत है ना ये। खूबसूरत तो आप भी हो दीदी, हमारी प्रीति दीदी करोड़ों में एक है। काश हम भी थोड़े पैसे इकट्ठा करते और आपको ये ज्वेलरी गिफ्ट करते। ए संजू ग्रेट आइडिया, अगर हम ज्वेलरी गिफ्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, ये तो देख सकते कि इनके ऊपर ज्वेलरी लगती कैसे है। वो कैसे? हम आपको वो ज्वेलरी शोरूम में लेके जाएंगे, आप वहाँ पे सारी ज्वेलरी को टच भी करना और ट्राई भी करना। हाँ दीदी चलो ना, प्लीज दीदी चलो ना। चलो चलो। नहीं चलो, दीदी नहीं, 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 सर 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 गुड मॉर्निंग सर, सर आप एक हेल्प कर देंगे उस कस्टमर को हैंडल करने के लिए, उन्हें कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही हैं। कस्टमर्स भगवान जैसे होते हैं, उनके लिए ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते। ओके चलो। हेलो मैम कैसे हैं? बढ़िया। आप अनकट डायमंड्स ट्राई क्यों नहीं करते? हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, आप पे बहुत खूबसूरत लगेगी। जाके नया डायमंड सेट लेके। जब तक ये देखिए, दिस इज आवर न्यू कलेक्शन। ये देखिए मैडम, ये ट्राई कीजिए, आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा। यस नाइस। अरे वाह बड़ा जच रहा है आप पे। यही तो मैं ढूंढ रही थी, थैंक गॉड कि आप आ गए और ये अच्छी चॉइस आपने मुझे दिखाई। आप जैसे एम्प्लॉयज होने चाहिए हर जगह। थैंक यू। मैम का ये सेट पैक कर देना। जी सर। मैं आपके ओनर से आपके प्रमोशन के लिए जरूर बात करूंगी। थैंक यू। वेलकम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय। अरे सर रघु। हाँ। आपकी मेहनत रंग ला रही है सर, ये देखिए कुरियर से बैंगल्स आ रहे हैं और कायरो से आ रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स। फाइल रेडी रखो मैं आता हूँ। थैंक यू सर। हाय तू कैसा है? बढ़िया। ये देख कितने सारे पैसे कमाए हैं हमने। तूने एक्चुअली भाई बिजनेस में संभाल लूंगा, पर आपने ये पैसे की बात मत करो भाई हो मेरे, ठीक है?
आप ये सब छोड़ो। ये देखो, ये मैं आपके लिए लाया। खोलो। अरे बेर। पसंद है ना आपको? बहुत पसंद है, लेकिन ऐसे बेर तो यहाँ नहीं मिलते। फिर तू मेरे लिए? सुबह सुबह गया था आपके लिए। थैंक यू रघु। ये सारा बिजनेस ना तू संभाल रहा है, ये कंपनी तू संभाल रहा है, मेरा ये जो डायमंड का शोरूम है ये भी तेरी वजह से चल रहा है। हीरे को परखने से लेके उसे चुनने से लेके उसे तराशने तक का काम तू ही करता है। तेरे बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन यू भाई। और तो और, इतने सारे जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, इतनी जो बिक्री होती है, इतना मुनाफा होता है, करोड़ों का मुनाफा, ये सब तेरी वजह से होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन तू अपने ऊपर एक रुपया तक नहीं खर्चता, और तुझे मेरी कितनी फिक्र है? तुझे पता है कि मुझे इसका शौक है और तू उसके लिए इतना दूर चला गया भाई। भाई आप छोड़ो, यहाँ बैठो। अरे अरे बैठो बैठो बैठो, ये बैठो। कहा ना, आप मेरे भाई हो और जिसके पास ऐसा भाई हो, हू नीड्स द मनी, मेरे असली हीरे तो आप ही हो। अब मैं समझा, मुझसे कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी और तूने मुझे बताया तक नहीं, और उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए तू इतना दूर चला गया वो लाल हीरा लाने के लिए। खतरनाक इलाका है भाई। नहीं भाई, आपसे कोई गलती नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, गलती तो मुझसे हुई है, मुझे पता है, लेकिन वो गलती तूने अपने सर ले ली। हुँ? और तुझे पता है, हमें एक माइंड ब्लोइंग ऑफर आया है फरीदाबाद में, बहुत बड़ा शोरूम खोलने का, और देखना ये अब तक का सबसे बड़ा शोरूम होगा। फरीदाबाद में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे पापा ने बहुत साल पहले किसी को रेंट पे दिया था, अभी लीगल नोटिस पे है, बहुत काम है यार। I have to find the best way to deal with it. कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। ये अम्ब्रेला आपकी गाड़ी में था। अमानत किसी की, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नीचे नीचे रखो। वाओ दीदी, कितना बड़ा शोरूम है। अमेजिंग। देखो तुम लोग किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं वहां जाके ना उनसे पूछती हूँ यहाँ कोई जॉब वैकेंसी है क्या, मुझे कोई काम मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। प्रीति दीदी, ये ज्वेलरी कितनी सुंदर है ना, आप भी पहन के देखो ना। नहीं, अरे क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने बोला ना हम खरीद नहीं सकते ये सब। अरे दीदी खरीदने, आपको कौन बोल रहा है, पहन के ट्राई तो करो ना, जाओ ना दीदी, चलो ना। अच्छा चलो चलो, अरे चलो। यार रुको रुको, ठीक है ठीक है फाइन, तुम लोग बोल रहे हो तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। ये तुम लोग यही पे रुको। यस मैम, मैं ये ट्राई कर सकती हूँ? प्रीति कितनी सुंदर लग रही है ना इसमें। ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये मैडम के साथ आए हैं। यहाँ
मैं यहाँ कैसे? कौन लाया मुझे? दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। ये लो दीदी, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। पर लड्डू, मैं यहाँ कैसे? मुझे कौन लाया? कल वो जो अंकल थे ना, जिनके साथ आपकी ज्वेलरी स्टोर पे लड़ाई हुई थी, उन्हीं आपको कल रात यहाँ पे छोड़ा। मैं तो अहलावत के घर, वो लड़का वहाँ क्या कर रहा था और मुझे घर छोड़ने क्यों आया? प्रीति, कल तुम अहलावत के घर गई थी ना, कुछ पता चला? कब तक रहने देंगे वो लोग हमको यहाँ पे? बात नहीं हो पाई उनसे, मिलना तक नहीं हुआ। एक्चुअली उनके घर कोई फंक्शन चल रहा था, इसीलिए मिल ही नहीं पाई। पर आज पक्का मिलूंगी, बात भी करूंगी। आज उनके घर नहीं, उनके ज्वेलरी स्टोर ही चली जाती हूँ तो उनसे बात हो पाएगी। अब तुम सब जाओ, नहा लो। समझ नहीं आ रहा है मैं अचानक बेहोश कैसे हो गई, और वो घर, वहां जाने से दिल इतना बेचैन क्यों हो गया? ज्वेलरी स्टोर में फ़ोन करके उस लड़के से बात करती हूँ, ओनर के बारे में पूछती हूँ, शायद वो मेरी कोई हेल्प कर दे ओनर से मिलने में। हेलो, हाँ सर, आपके स्टोर में काम करने वाले किसी वर्कर से बात करनी है। उनका नाम तो नहीं पता, पर वो दिखने में मैडम कोई नाम बताइए। आप जिस तरह से हुलिया बता रही हैं, कैसे बात कराएंगे किसी से? वही तो मैंने कहा ना, नाम याद नहीं है। सॉरी मैडम, बिना नाम के बात नहीं करवा सकते। लगता है उस स्टोरी जाना पड़ेगा। प्रीति, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। बच्चों ने सुबह से सिर्फ एक रोटी खाई है रोल करके। राशन का कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, वरना आज तो खाना भी। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाके जॉब ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, तू कुछ मत कर, मैं कुछ मैनेज करती हूँ ना। टीना, ये सब क्या है? ये खाना कहाँ से आया? वहां से। दीदी, कल रात आपको घर यही छोड़े थे। थैंक्स, और ये बच्चों के खाने के लिए भी थैंक्स। थैंक यू किस बात का? मुझे लगा सबको भूख लगी होगी। कल रात जिस तरह से तुम बेहोश हुई, अब उस पक्का शॉट तुमने खाना नहीं खाया होगा, तो मैं ये सब ले आया। पर ये सब क्यों? और तुम यहाँ क्यों? आई मीन तुम हो कौन? तुम उस ज्वेलरी स्टोर में काम करते हो ना, तो फिर ये सब, ये खाना, इतना सारा, बहुत पैसे लग गए होंगे ना? नहीं, मैं वो स्टोर में। हाँ, तो स्टोर में सेल्समैन का काम करते हो ना, सैलरी कितनी है तुम्हारी? हाँ हाँ, वो मैं स्टोर में काम करता हूँ, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। वैसे भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही तो है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा है। बताओ कितना खर्चा हुआ? नहीं नहीं, थोड़ा सा ही हुआ, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा नहीं, कितना बताओ? 1000। 1000 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं तुम्हें देने के लिए। नहीं नहीं, डोंट वरी, ये सब फ्री है। फ्री? हाँ हाँ, वो वाउचर है ना, इसलिए फ्री था। वाउचर? एक्चुअली हम वो ज्वेलरी स्टोर पे काम करते हैं, तो हमें ना वाउचर्स मिलते हैं। 1000 रुपए का वाउचर था, इसलिए 1000 रुपए का खाना लिया। 1000 रुपए का वाउचर?
पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कल उस ज्वेलरी स्टोर के ओनर से भी नहीं मिल पाई, आज इतना सारा खाना ले आया है, इसके पैसे वापस कैसे करूंगी? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ वो तुम्हें चाइनीज पसंद है? अरे ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, बच्चों के लिए ठीक है। अरे तुम्हारे लिए भी है, पराठा है ना तुम्हारे लिए, बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। वो मैं अजनबियों का खाना नहीं खाती, बच्चों के लिए ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। भैया आप क्यों खड़े हो, आप क्यों नहीं खा रहे हो, आप भी हमारे साथ खाओ ना। ठीक है। एक बाइट तो खा ही सकते हैं। हाँ पक्का सब वाउचर से है ना? हाँ। पैसे तो नहीं लगे ना? सब फ्री है। अच्छा वाउचर से है तो फिर तो ठीक ही है। खिड़की बंद कर सकते हैं क्या? क्यों? बदरपुर में ठंड काफी बढ़ गई है। ये दिल्ली की सर्दी है, दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी तो रहते हैं ना हम, मौसम ही ऐसा है। वक्त बहुत हो गया, मैं निकलता हूँ। हाँ बाय बाय। बाय। प्यास लगी है, पानी चाहिए, ये नौगन तो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। मुझे घर वापस लाने के लिए थैंक यू। ऑफ कोर्स, मेंशन नॉट। मीठा तो है ही नहीं यहाँ। रघु भैया मीठा नहीं लाए क्या? हाँ कल भी आऊंगा, बच्चों से मिलकर अच्छा लगा। हाँ पर जब तक मैं वो वाउचर अपनी आंखों से नहीं देख लेती मुझे विश्वास नहीं होगा कि ये सारा खाना तुम उस वाउचर से ले आए हो। तो अगली बार जब भी आओगे अपने साथ वो वाउचर जरूर ले आना। ओके मैं निकलता हूँ, बाय बाय। बाय। सर आप कहाँ हैं? हम सब मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट करो। ओके ऑलराइट बाय। प्रीति दीदी जब दुल्हन बनेगी तो कैसे दिखेगी? वो रही दीदी, वो रही।
खूबसूरती से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। रघु भैया खड़े खड़े सो गए क्या? रघु मुझे नहीं लगता हमारे आइडिया काम करेगा। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। होगा, लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते, और अगर एक बार ठान लेना तो जरूर कर सकते हैं, और तुम भी कर पाओगे। अच्छा काम करो, एक लंबी सी सांस लो। अब इस चीज को तीन बार दोहराओ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैम हम रेडी है, आप आ जाइए। चले खूबसूरत दुल्हन लग रही है ना। ये क्या देखा मैंने? लगा जैसे कोई दुल्हन की जोड़ी में बैठी है। कौन थी? गौतम भैया बहुत भूख लग रही है, बहुत लग रही है यार। देखो भूख लगी, भूख तो लगी है। आप सबको ट्रीट देता हूँ, ओके? अच्छा कैसी हुई मुझे रोकने की? कौन है तू? नागवंश की नागिन हूँ मैं, नागराज तक्षक की सेविका। तुम गलत कर रही हो, आज तुम्हारी वजह से नागलोक के नाग नागिनों का नाम बदनाम हो रहा है। गलत तुम कर रही हो और लोग गलत हमें समझ रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तू छोटी सी नागिन, तू मुझे रोकेगी? हाँ जाके बोल अपनी महाशेष नागिन को आके मुझसे लड़ने के लिए। तुमसे लड़ने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अच्छा देख ली मेरी ताकत, बुला बुला तेरी शेष नागिन को। हे महाशेष नागिन बचाइए माँ, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे महाशेष नागिन बचाइए। ये किसकी आवाज है? प्रीति कुछ मत सोच, सो जा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तभी मैं तेरी मदद कर पाऊंगी। सो जा। प्रार्थना अभी अपनी यादों से अनजान है, पर मैं महाशेष नागिन अपने फर्ज से अनजान नहीं हो सकती। अपने नाग नागिनों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मेरे होते हुए मेरे नागलोक और मेरे नागवंश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ रही हूं मैं।
देखती हूँ आती तेरी शेष नागिन। हाँ अब ये नागिन कौन है जो मुझसे लड़ने आई है? ये कोई साधारण नागिन नहीं हो सकती। जिसने अपनी शक्तियों से मुझे हरा दिया, इसका असली चेहरा तो मुझे देखना ही होगा। अगर मैं इस दिव्या पायल से इसको छू लूं, तो इसका असली चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। तब मुझे पता चल जाएगा ये वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूं। प्रार्थना या कोई और? नहीं नहीं, मैं ये पायल नहीं निकाल सकती हूं। अगर मैंने ये पायल निकाल दी तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी और मैं इसे लड़ नहीं पाऊंगी। मुझे जो भी करना है ये पायल पहन के करना है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे लड़ने आई है? अगर इतनी हिम्मत है तो चेहरा दिखा अपना। चेहरा छिपा के नहीं लड़ते। आ सामने आ। तेरा असली चेहरा सामने आ गया। मेरा तो पूरा पेड़ भर गया। प्रीति कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? प्रीति दीदी कहाँ गई? कहाँ गई है? ये तो प्रीति का दुपट्टा है, तो फिर वो कहाँ है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? बाहर माहौल भी बहुत खराब चल रहा है, हर जगह सांप के अटैक की न्यूज है। और दीदी को तो सांप से भी डर लगता है। कल किसी सांप ने दीदी पे अटैक तो नहीं कर दिया? दीदी ठीक तो होंगी ना? हाँ हाँ कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, दीदी ठीक होगी। ठीक है